हेलो सेकंड स्टैंडर्ड, अगेन आई एम वेलकमिंग यू इन मैथ्स लेक्चर। दिस इज अवर सिक्स लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न सम नंबर्स, राइट? बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट जस्ट लर्न बिफोर एंड आफ्टर नंबर अप टू हंड्रेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर दिस फनी गेम्स ओवर देयर, ओके? In previous lecture, we have done this exercise, right? About the buru. Now, we are going to make some puzzling over there. This one, puzzling tail, मतलब जिस puzzle में किसी की tail आ रही है, पूंछ आ रही है. चिंपकू rat has a long tail. चिंपकू नाम का कोई चूहा है जिसको बहुत लंबी पूंछ है। When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. When he was sleeping, मतलब जब वो सो रहा था तो naughty cat thought, एक naughty cat है, उसके शायद फ्रेंड है या कुछ भी है जो बहुत naughty है, मतलब सबके साथ मस्ती करती रहती है। उसने क्या सोचा? टाइंग हीज टेल, ये जो चिंपकू चूहा है उसकी पूंछ को बांध देने का। लेकिन टेल को कहाँ बांधना है? तो के टू द पोल्स। पोल्स मतलब जो खंभे होते हैं ना, जिसको गुजराती में आप थांबला बोलते हो, तो वो पोल्स के साथ बांधने का उसने सोच लिया। अभी देखते हैं चलो कैसे पोल्स हैं। सी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विथ द बिगेस्ट नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ पोल्स दिखा है और बताया है कि उसने पूंछ बांधने का शुरू किया, लेकिन कहाँ से? तो कि जो सबसे बड़ा पोल है नंबर में। फिर क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे। सी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर्स इन ऑर्डर। उसने सबसे बड़े नंबर से उसकी पूंछ बांधनी शुरू की है और फिर धीरे धीरे छोटे नंबर की ओर उसको बांधती जा रही है। हेल्प हर इन टाइंग, तो आपको क्या करना है? तो कि भाई उसकी पूंछ बांधने में मदद करनी है। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट्सेल्फ एनीवेयर। लेकिन इसमें एक आपके लिए कंडीशन है कि जो ये चिंपकू चूहा है उसकी टेल अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से, चलो ये दो नंबर मैंने बताए, दो तीन मैंने यहाँ से बांधना शुरू किया, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, तो यहाँ जाना होगा तो मैं यहाँ क्रॉस करके जाऊँगी, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो चलो हम करते हैं। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो 32 है, 35 है, 34 है, ये 27 है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो के 37 है ना। देखो इसने यहाँ स्टार्ट किया है, तो 37 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? 36। आपको रिवर्स जाना है, बैकवर्ड काउंटिंग है। क्या है ये? बैकवर्ड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि यहाँ देखो ये 37 नंबर है ना, फिर वहाँ उसके बाद कौन सा नंबर आएगा रिवर्स काउंटिंग में, बैकवर्ड काउंटिंग में? तो के 36। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 7 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो के 6। तो 37 से पहले आता है 36, जो कि उन्होंने हमें ऐसे बना के दिया है। यहाँ पे देखो ये लाइन जा रही है, 36 आया, अभी 36 से पहले कौन सा आएगा? तो कि ये 35। तो अगर हम यहाँ से ऐसे गए तो ये सबको क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए हम वापस रिवर्स में यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है? ये आया 35, 35 से बाद कौन सा आएगा रिवर्स में? 34। तो उसमें भी हम रिवर्स जाएंगे, ये 34, फिर 32, 32 कैसे जाओगे?
अगेन रिवर्स, या फिर यहाँ जाएंगे तो भी चलेगा, बीच में से निकल जाएंगे 33, फिर ये यहाँ से रिवर्स आएंगे 32, फिर यहाँ से निकलेंगे। देखो ध्यान से देखना मैं कहाँ से निकल रही हूँ, बीच बीच में से, कहीं पे भी हमारी टेल को क्रॉस नहीं करना है। चलो 32 पर भी आ गए, अभी 32 से पहले कौन सा आएगा, 31। तो हम कहाँ से जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करके जा सकते हैं 31, फिर ये 30, फिर यहाँ पर यहाँ से ऐसे 29, 28, फिर यहाँ से वापस उसकी पूंछ तक हम पहुँच सकते हैं अगर पहुँचना है तो। ठीक है, तो ये हो गया, देखो बिना क्रॉस किए मैंने किया है, तो आपको भी ये खुद करना है। यहाँ पर मैं लिख के दे रही हूँ डू योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब है अपने आप करो, और मम्मी को ये खास बताना है कि शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ, टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब पूंछ अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस कंडीशन के साथ आपको ये ज्वाइन करने हैं। ठीक है, तो आप ये खुद करके मम्मी को दिखाओगे, गुड गर्ल्स और गुड बॉयज हो ना बेटा। चलो अभी हम नेक्स्ट पेज करते हैं, यहाँ पर एक मिनट में पेज टर्न कर रही हूँ बेटा। यहाँ पर तो भाई एक अच्छी वाली स्टोरी है, द बिग कैरट, मतलब कैरट का मतलब होता है कैरट की गाजर, ये रेड कलर का गाजर आता है ना, जिसको हम सलाद बनाते हैं, हलवा बनाते हैं वो। तो चलो स्टोरी रीड करते हैं। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरट सीड, ये एक बूढ़े दादाजी है, ओल्ड मैन है, उन्होंने क्या किया, एक कैरट का सीड है उसको प्लांट किया, मतलब एक सीड बोया जो कैरट का था। द कैरट ग्रू बिग एंड स्वीट, ये कैरट है वो बहुत बड़ा और मीठा मीठा पक गया, मतलब ग्रो हो गया। इट ग्रू वेरी वेरी बिग, वो कैसा हुआ, तो कि बहुत 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 बड़ा बन गया। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरट बट इट डिड नॉट कम आउट, फिर यहाँ देखो उन्होंने उस कैरेट को जमीन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाए। मैं आपको बता दूं कि कैरेट का जो ये रेड वाला हिस्सा है वो जमीन के नीचे ग्रो होता है, ऊपर सिर्फ ऐसे ग्रीन ग्रीन लीव्स ग्रो होते हैं। चलो फिर क्या हुआ, ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम, ये ओल्ड मैन है, उन्होंने कैरेट के लीव्स को खींचने का स्टार्ट किया, और जो उनकी वाइफ थी, ओल्ड वुमन थी, वो इस ओल्ड मैन को पुल करने लगी, खींचने लगी। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट, लेकिन वो लोग उसको नहीं खींच पाए। फिर क्या हुआ, द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, ये जो ओल्ड वुमन थी उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर, मतलब अपने लड़के की लड़की को बुलाया। द ओल्ड मैन द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड, फिर क्या हुआ, ये ओल्ड मैन, ये देखो यहाँ पर ये ओल्ड मैन, ये ओल्ड वुमन और उसकी ग्रैंड डॉटर, तीनों ने क्या किया कि भाई इन्होंने भी इसको पुल करना शुरू कर दिया। बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट, लेकिन वो भी कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। फिर क्या हुआ, द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग, फिर उसकी पोती ने डॉग को, अपने पेट डॉग को बुलाया।
the old man, his wife, the granddaughter, and the dog could not pull the carrot out. फिर ये जो ग्रैंड मैन, ये ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है, उसकी ये ग्रैंड डॉटर है और उसका डॉग, वो चारों मिलके करने लगे, फिर भी वो उसको बाहर नहीं निकाल पाए। तो आज हम इतनी ही स्टोरी रीड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टोरी समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।